दशहरे के पावन पर्व के साथ ही शारदीय नवरात्र भी संपन्न हो गए। साथ ही संपन्न हो गया रामलीला का मंचन। शारदीय नवरात्र के दौरान रामलीला के मंचन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ जानकारों के मुताबिक त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब अयोध्या नगरी से वनवास चले, तब अयोध्या वासियों ने श्री राम की स्मृति को ताजा रखने के लिए रामलीला की संकल्पना कर उसे मूर्त रूप दिया था और तभी से रामलीला की शुरुआत हुई। लेकिन उपलब्ध प्रमाणों से यह भी स्पष्ट होता है कि रामलीला के प्रेरक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास स्वयं थे, जिन्होंने अपने मित्र मेघा भगत के माध्यम से रामलीला के मंचन की शुरुआत करवाई थी। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अब जम्मू की बात करें तो जम्मू के दीवाना मंदिर में श्री सनातन धर्म नाटक समाज की रामलीला कई मायनों में अहम है। सनातन परंपरा और संस्कृति के प्रसार के अलौकिक 161 वर्ष पूर्ण करते हुए यह रामलीला क्लब आज भी जम्मू में थिएटर और कला के उभरते हुए सितारों को नियमित रूप से अवसर और मंच दोनों प्रदान कर रहा है। केएल सहगल और ओम प्रकाश जैसे सितारों का उदय इसी मंच से हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा ने भी इसी रामलीला के मंच पर संगीत की अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी और यहीं से निकलकर उनके संतूर के सुर विश्व पटल पर छा गए थे। प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता जीवन, जिनका वास्तविक नाम ओमकार कृष्णधर था, उनकी कला का सफर भी जम्मू की रामलीला से ही शुरू हुआ था और बाद में वो अपनी खास आवाज और अभिनय शैली के कारण बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे थे। जम्मू कश्मीर के ही कठुआ जिले के बसोहली में भी 110 साल पुरानी रामलीला मंचन की परंपरा है। यहाँ ना कोई रंगमंच सजता है और ना ही किसी पर्दे की जरूरत होती है। तैयारी के नाम पर सिर्फ कलाकार ही तैयार होते हैं। रामलीला का मंचन खुले आसमान के नीचे मैदान में होता है। इस रामलीला को देखने के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक से लोग आते हैं। अब जब बात रामलीला की हो रही हो तो दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान को कैसे भूल सकते हैं। आजकल भले ही दिल्ली का रामलीला मैदान आंदोलनों और राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया हो, लेकिन 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ यह मैदान 19वीं सदी के रामलीला के मंचन का गवाह रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने रामलीला मैदान को देखने के लिए खुद अपने जुलूस के रास्ते में बदलाव का हुक्म दिया था। ये तो ही भारत की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलीला की धूम भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिलती है। रामलीला केवल भारत में ही नहीं बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, मॉरिशस, फिजी और मलेशिया जैसे देशों में प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण है, जिसे आप वाल्मीकि रामायण का थाई वर्जन भी कह सकते हैं। इसे सन 1797 में थाईलैंड के राजा राम प्रथम द्वारा संकलित किया गया था। यह थाई रामायण थाईलैंड की संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग है, जिसमें थाईलैंड के समाज के अनुरूप कहानी, पात्रों और जगहों के नाम जैसी अन्य कई चीजों को भी बदला गया है। द रामाकीन का अर्थ होता है प्रभु राम की महिमा अथवा कीर्ति। लेखक जे एम कैडर द्वारा सन 1971 में द रामाकीन का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, जिस पर आधारित द नोबल वार नामक एक थाई फिल्म भी बनी थी। थाईलैंड की रामलीला में मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कथा और शिक्षा तो वही होती है, लेकिन कलाकारों का रंग रूप और वेशभूषा भारतीय परंपरागत रामलीला से थोड़े भिन्न होते हैं। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला को थाईलैंड में खौन नाम से जाना जाता है, जिसे यूनेस्को ने लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दर्ज किया है। इसके अलावा थाईलैंड में छाया रामलीला भी होती है, जिसे नंग कहा जाता है। इसमें सफेद पर्दे के सामने पुतलियों को इस तरह से नचाया जाता है कि उनकी छाया इस सफेद पर्दे पर पड़ती है। अब बात विश्व के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है, वहीं रामायण उनकी संस्कृति है। इंडोनेशिया में लोग न केवल बेहतर इंसान बनने के लिए रामायण पढ़ते हैं, बल्कि इसके किरदार वहां की स्कूली शिक्षा का भी अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के लोग 9वीं सदी में लिखी काकविन रामायण को मानते हैं, जो रामायण का जैवनीज वर्जन है। इंडोनेशिया में रामायण को पुस्तक द्वारा कम पढ़ा जाता है।
बल्कि थिएटर में नाटक, कविताएं, भजन, गाने, विभिन्न प्रकार के नाच और कठपुतली के द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाया जाता है और दिखाया जाता है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। वायंग कठपुतली शो इंडोनेशिया का सबसे पुराना कठपुतली खेल शो है। थाईलैंड की तरह लाओस में भी वाल्मीकि रामायण का ही मंचन होता है। गाने बजाने के साथ डांस पेंटिंग और थिएटर भी इसमें देखने को मिलते हैं। लाओस के राष्ट्रीय महाकाव्य फरालाक फराराम की कहानी रामकथा से बिल्कुल मिलती है। इसका अधिकांश भाग भगवान बुद्ध पर आधारित है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के भी वर्णन है। लाक शब्द का मतलब श्री लक्ष्मण से है, जो राम के नाम से मौजूद भगवान बुद्ध के साथ हर जगह खड़े मिलते हैं। मॉरिशस में रामलीला झाड़ ढोलक के साथ गाकर की जाती है। इसका आयोजन मॉरिशस की कला और सांस्कृतिक मंत्रालय हर साल करवाता है, जिसमें अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को भी बुलाया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम और रामायण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले देश मॉरिशस में पाठ्यक्रम में अब रामलीला भी शामिल होगी। मॉरिशस के निवासी मानते हैं कि जब उनके पूर्वज भारत से जाकर मॉरिशस में बसे थे और उन्हें वहां 5 साल तक रुकने की शर्त रखी गई थी, तब सिर्फ यही विश्वास उन्हें सहारा देता रहा था कि राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था तो उन्हीं के वंश होकर वो भी 5 वर्ष आसानी से गुजार लेंगे। भारत से आते समय उनके बुजुर्गों के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ही थे। अंकोरवाट मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंबोडिया की। कंबोडिया जैसे बौद्ध देश में भी हिंदू संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। यहाँ रामायण को रीमकर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रभु श्री राम की महिमा। रीमकर कंबोडिया का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। कंबोडिया में रामलीला गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर ही खेली जाती है। यह राम को हर आम आदमी की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। वहीं म्यांमार की रामलीला यांपुए कहलाती है। इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग हास्य रस के बहुत प्रेमी होते हैं, इसलिए यांपुए में विदुषक की भूमिका मुख्य मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदुषक उपस्थित ना हो। विदुषक का मतलब होता है कॉमेडियन। रामलीला आरंभ होने से पहले 1-2 घंटे हास और परिहास चलता है। नृत्य और गीत संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। कुछ रूप बदला, कुछ कहानी बदली, कुछ पात्र बदले, मगर जहां जहां भारतीय गए वहां वहां भारतीयता भी गए, और जहां जहां भारतीयता गई वहां वहां राम कथा भी यात्रा करते हुए पहुंची। यही कारण है कि रामलीला का मंचन अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी किया जाता है। कुशल से रोने हमारे देश में तो रामलीला का मंचन बहुत आम लगता है, लेकिन यही रामलीला अगर किसी दूसरे देश में होती दिख जाए तो लगता है मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। भारत हमेशा से विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता आया है, और अखंड भारत की संकल्पना मात्र भौगोलिक ना होकर सांस्कृतिक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। भगवान श्री राम के जीवन में निहित मूल्यों और आचरण को आत्मसात करके ही हम इस विषय को जीने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर आपको यह अंक अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।